तबादले सारे वो करता है, ट्रांसफर सारे वो करता है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इलीगल माइनिंग केस है, वो भी उन्होंने अरबों रुपए का ठेका अपने रहने 12 लाख रुपए में उससे जो टिकट खरीदा था, तहरीक इंसाफ से मोहब्बत थी, मैंने वो टिकट उससे खरीदा क्योंकि वो बेच रहा था। कप्तान पर इल्जामात महंगे पड़ गए। आयशा गुललई के जाती मुआविन ने खातून एमएनए और उनके वालिद शम्सुल कय्यूम को करप्ट करार दे दिया। नूर जमान ने दावा किया है कि तरक्याती मंसूबों से मिलने वाले कमीशन के पैसे से गुललई ने बन्नू में 4.5 कनाल का जाती घर तामीर कराया। पैसे हमें मिले थे बन्नू लिंक रोड में रोड वाले, उसी पे सर जी हमने उसको झंडा में डुबेल में उसका बंगला बनाया। जो हमने लिख पढ़ किया था वो नवली खान सर किया था 14% पे, और 72 लाख रुपया जो है ना वो हमें वसूल हो गए। दूसरा सर तिजोरी में 1 करोड़ रुपया का एमेंडा रोड का मिला था, 1 करोड़, वो हमने 16% पे दे दिया। उसको बखियामान नाम था ठेकेदार का, उसी में 4 लाख रिंग पे चले गए। 12 लाख रुपया शम्सुल कय्यूम ने मुझसे वसूल किए हैं, उसके जो रिसीव है वो मेरे पास मौजूद है सर। नूर जमान ने आयशा गुललई पर बन्नू में काउंसलर को टिकट बेचने का भी इल्जाम लगाया। जब उसको टिकट मिल गया हलीमजादा को, 5 लाख रुपए उसने दिए मुझे और मैंने उसको दे दिए, कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 1.5 लाख, इसी तरह वो दिया करता था और मैं उसको दिया करता था। मेरे सामने हुई बल्दियाती नुमाइंदे हलीम ज़ादा ने भी टिकट खरीदने का एतराफ़ कर दिया। मैंने 12 लाख रुपए में उससे जो टिकट खरीदा था वो इस वजह से मैंने नहीं खरीदा था कि मुझे कुछ मकसद था इसमें, मुझे तहरीक इंसाफ से मोहब्बत थी, इस वजह से मैंने वो टिकट उससे खरीदा क्योंकि वो बेच रहा था। हलीम ज़ादा ने मीडिया के सामने आयशा गुललई के खिलाफ तमाम सबूत पेश करने का ऐलान किया है।